नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल यानी मंगलवार को 2 दिन की श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला श्रीलंका दौरा है। हालांकि श्रीलंका की इस पहले ही यात्रा में इमरान खान की किरकिरी हो रखी है। एक हफ्ते में दूसरी बार श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने उन्हें झटका दिया है। पिछले हफ्ते श्रीलंकाई संसद में उनके भाषण को कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। अब ये खबर आ रही है श्रीलंका के मुस्लिम सांसदों से इमरान खान की मीटिंग के प्रोग्राम को शेड्यूल से हटा दिया गया है। इमरान खान के शेड्यूल के मुताबिक उन्हें श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के लीडरों से मुलाकात करनी थी। इस मीटिंग को श्रीलंकाई सरकार ने रद्द कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के ADTV चैनल के मुताबिक श्रीलंका सरकार ने एक हफ्ते में इमरान खान के 3 कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। पहला, सांसद में होने वाला भाषण टाला। दूसरा, मुस्लिम सांसदों से मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। तीसरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं जा सकेंगे इमरान खान। आखिरी 2 कार्यक्रम को कथित तौर पर सुरक्षा का हवाला देकर टाल दिया गया है। सच्चाई ये है कि श्रीलंका में लंबे वक्त से मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं। यहां बौद्ध संप्रदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों यहाँ बौद्ध संप्रदायों ने मस्जिदों में जानवरों की कुर्बानी की विरोध किया था। इस पर रोक लगाने के लिए रैलियां निकाली गई थी। इमरान खान ने अफगानिस्तान दौरे पर मुस्लिम कार्ड खेला था। श्रीलंका की सरकार का आशंका ये थी कि इमरान खान इस दौरे पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हर उस प्रोग्राम को इमरान खान के शेड्यूल से हटा दिया गया है जिससे श्रीलंका में सवाल उठ सकते थे। संसद में भाषण को तो साफ तौर पर इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि इससे भारत नाराज हो सकता था। आशंका थी कि इमरान खान संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा सकता था। भारत ने COVID-19 के दौर में श्रीलंका की काफ़ी मदद की है। हाल ही में श्रीलंका के करीब 5 लाख वैक्सीन भारत ने मुफ्त में भेजी है। ऐसे में श्रीलंका भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले।